जब आ रही है साक्षी बनकर बस देखो उसे। उनका बस एक लाइन के ही विधि है, साक्षी बनकर बस देखने के लिए कहा। उन्होंने साक्षी बनकर देखने का मतलब है अंदर में कोई इच्छा आया, कोई भी इच्छा, गुस्सा हो, ये भी एक प्रकार की इच्छा ही है। गुस्सा क्या आया, गाली देने का आया, कुछ प्राप्ति के लिए आया, किसी इंसान के प्रति आया, क्रोध आया, कुछ भी आया, उसको बस देखना है अंदर में, बस देखना है साक्षी बनकर। बहुत जल्द तुम्हारी नए जन्म होगी, सिरेश से है बोलते हैं वो शिव, बस देखा करो। कितना आसान है विधि, आप कहीं घर में बैठे हो आप अकेले, ध्यान आँख बंद करके नहीं, लेकिन अंतर्मुखी, ये तो आँख हमेशा धोखा देता है। वो समझाऊंगा ये आँख किस तरह से धोखा देता है। बस आप पहले साक्षी बनकर देखो अंदर क्या चल रहा है। मैं तो अकेले ऐसे बैठा हूँ, कहीं देख भी रहा हूँ तो कहीं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो और एक जो ध्यान की आँख है, उस आँख से अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, हार्ट बीट कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, बस अंदर देखना है। शिव कहते हैं बस साक्षी बनकर देखा करो। और कोई अंदर नहीं देखना चाह रहा है तो लाइट पे देखो, ब्रह्मा कुमारी में जाकर, वहाँ पे भी देखने की काम है, इधर भी देखने की काम है। नहीं तो श्वास को देखो, नहीं तो अपने मन को देखो, मन की साक्षी बन जाओ, मन में क्या चल रहा है। वॉच योर माइंड, बी द वॉचर, मन में चल क्या रहा है, देखते रहो। देखने से होता क्या है कि धीरे 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 मन शून्य होने लगता है, धीरे धीरे शून्य होने लगता है। और इसकी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी आदमी कहीं बैठ के कुछ कर रहा है, अचानक से उसके पास में चला जाओ, उसको सिर्फ देखना ऐसे स्टार्ट कर दो, वो आदमी शून्य होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आपको कोई ऐसे देखते रहता है ना, तो आप भी शून्य स्टार्ट हो जाओगे धीरे धीरे धीरे। बच्चा खेल रहा है एक रूम में, पूरा दौड़ रहा है, भाग रहा है, अचानक से आ जाओ, बच्चा को ऐसा देखना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे खेलना बंद करके वो भी देखना आपको स्टार्ट कर दे, हो क्या गया इसको, क्यों ऐसा देख रहा है। तो मन बच्चा है स्वभाव से, तो मन को देखना स्टार्ट कर दो, मन का भी डांस बंदर की तरह यहाँ से वहाँ भागना कूदना रुक जाता है। वो मन को देखो, वो रुक जाएगा, और रुक इतना रुक जाएगा, थोड़े 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 विचार कम विचार हो जाएगा, और एक दिन वो निर्विचार, निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं, मन में कोई विकल्प नहीं, विकल्प मतलब विचार, चिंताबूर ये तो विकल्प है, माने जिकुनु चिंता अमर विकल्प, निर्विचार के अवस्था में हम चले जाएंगे, थॉटलेस कहा गया है। तो चेतना की चार अवस्था में, चेतना आपको समझा रहा था, तो चेतना की चार अवस्था यही है, एक जागृत अवस्था है, एक जागृत की अवस्था है। जागृत की अवस्था में हमारे लिए दुनिया रहता है, अभी हम लोग जो ये दुनिया आप लोग जो देख रहे हैं, पहले तो ये समझ लेना कि आप लोग जो दुनिया को देख रहे हो ये भी एक स्वप्न है, और ये जो चल रहा है ये भी एक स्वप्न ही है। परमात्मा को छोड़ के जो कुछ भी है स्वप्न ही है। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे से समझ में आएगा कि ये सपना ही देख रहे हो, अभी ये सपना ही चल रहा है, ये भी एक सपना ही है। जैसे आप स्वप्न की स्थिति में जब आप लोग सपना देखते हो, तो बिल्कुल जब सपना देखते हो तो आप लोग उस सपना में आपको इस दुनिया का होश नहीं रहता, आप अलग रहते हो, और बिल्कुल वो सत्य होता है आपके लिए। एक घंटा का, दो घंटा का, चार घंटा से सपना हो, लेकिन चार घंटा के लिए अलग से दुनिया में समय होगा, अलग ही हो, लेकिन उसमें ये होश नहीं रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ ये झूठा है, वो आपके लिए एक दुनिया ही बन जाता है, उसमें खाना पीना भोगना सब कुछ होता है, और वो आपके लिए सत्य है। इसी तरह से ये भी संसार के एक लंबा सा सपना है, ईश्वर का मन किया सपना देखने के लिए सपना देख रहे हैं, उस सपना में भी बहुत सपना चल रहा है, लंबी सी सपना है। परमात्मा को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर बाकी सब स्वप्न ही है, तो इसीलिए चार स्थिति को कहा गया है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में हमारे लिए दुनिया भी है, हम दुनिया को देख रहे हैं, पांचों इंद्रियां जागृत है, हम पांचों इंद्रियों से ज्ञान की इकट्ठा कर रहे हैं, इसको कहा गया है नॉलेज ऑर्गेन्स, थ्रू फाइव सेंसेस वी आर परसीविंग द नॉलेज। तो ये सब जागृत अवस्था में है।
तो जागृत अवस्था में होता क्या है, हमारे मन में विचार होता है, समय का बोध होता है, मन में विचार भी होता है, ध्यान से समझना है, दुनिया का भी होश होता है, अपने प्रति भी होश होता है, मेरे परिवार है, दुनिया है, मतलब विचार है, विचार है तो दुनिया है, हेलो, विचार है तो दुनिया है, विचार नहीं है तो दुनिया भी खत्म, विचार नहीं तो आपको दुनिया भी खत्म। तो ये विचार है, समय की बोध है, जगह की बोध है, ये एक जागृत की अवस्था कहा गया, चेतना की। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था, हम स्वप्न में हमारे लिए सब कुछ एक अलग होता है, ये दुनिया नहीं होता है, कुछ और होता है, कोई दूसरे लोग होते हैं, दूसरी दुनिया होती है, हम उसमें कुछ कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ, हम अलग होते हैं, ये दुनिया नहीं रहती है। तो स्वप्न की अवस्था मतलब चेतना की स्वप्न की अवस्था। अब प्रश्न आया कि ये स्वप्न की अवस्था क्यों, आपको होश नहीं है लेकिन आपको हजारों हजारों जन्म की संस्कार इंप्रेशंस, पास्ट कर्माज एंड इंप्रेशंस जो है आपकी चेतना में पड़ी हुई है। विज्ञान भी कहता है कि नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, तो कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, सब कुछ ब्रह्मांड में रह जाता है। तो वो आपकी कारण शरीर में सब कुछ रहता है, पास्ट इंप्रेशंस, जन्मों जन्मों की जो कुछ भी है वो चेतना रहती है। अब आप लोगों को बुद्धि में नहीं आएगी कि रहता है या नहीं रहता है, रहता है। अभी वो बैठी है वहाँ पे, उनको जाके उनकी माँ को, दादा दादी परदादा को देखोगे तो उनकी मेमोरी आज भी इनमें है, क्योंकि उनके जैसे आँख नाक कान शरीर और व्यवहार बात भी वो आज भी है। वो 100 साल पहले 200 साल पहले आके चले गए लेकिन उनका गुण अब भी उनमें है, वो वही चीज़ रह जाता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है। और वो फिर से नाक कान का शेप लेता है, उसी तरह से लेता है। आप लोग अपने परिवार का, माँ बाप का चेहरा देखोगे, दादा परदादा का चेहरा देखोगे, कुछ ना कुछ हिस्सा लिया हुआ है आप। तो इस तरह से मेमोरीज जो है वो रह जाता है। तो जब हम जागृत अवस्था से जो कुछ भी देखते हैं, सुन लेना है, जो कुछ देखते हैं, घूमते हैं, फिल्म देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो प्रत्येक विचार और कल्पना हमारे अंदर, हमारे चेतना पे एक छाप छोड़ता है। स्वामी विवेकानंद इसको खूब सुंदर से समझाया कि प्रत्येक दैहिक कर्म, मानसिक कर्म, कोई भी काल्पनिक हो, उसका एक छाप हमारे चेतना पे छोड़ देता है। अब जिस व्यक्ति से भी मिला उसकी एक छाप हमारे चेतना में रह जाता है। तो ये हमारे बाहर जो विषय है जिसे हम देखते हैं, तो उसकी वासनाएं, वासनाएं समझ रहे हो ना, खुमिया जब आखना वाली जी का, उस वासनाएं जो है वो हमारे, उसकी छाप रह जाता है हमारी चेतना में, वही वासनाएं हमारे स्वप्न में आता है, वही वासनाएं। जन्म मृत्यु जिंदगी, इससे आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोई भी प्रश्न देने के लिए आपके पास मेरे अंदर सामर्थ्य है, कोई भी। इससे अभी तो आप लोगों का पात्र इतना नहीं है उस चीज़ों को समझना, अभी आप लोग बिगिनर हो, बिगिनर से सुन रहे हो। जैसे धीरे धीरे अंदर जाओगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी, एडवांस बातें भी आप कैच कर पाओगे। तो वो हमारी वासना ही, कई जन्मों की वासनाएं ही हमारे सपने में निकल कर आती है। अब ऐसा भी होता है कि किसी की स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संभोग करते हुए भी देखती है, कोई पुरुष भी दूसरे स्त्री के साथ संभोग करते हुए देखता है। अब कैसे देखता है, इसका विज्ञान, स्वप्न के विज्ञान जो है, मुख लगे ना कि बात भले कम होता है इसे, स्वप्न भी मैं क्लियर कर दूंगा, और स्वप्न से रिलेटेड और एक चीज़ बातें बताऊंगा, और भूत प्रेत की फिल्म में कौन लोग इंटरेस्टेड होते वो भी बता दूंगा आपको। और आप मुझे मिले थे पहले दिन, बोल रहे थे सर ध्यान वान करने से माइंड रीडिंग कर पाएंगे कि नहीं,
तो मेरे साथ जो भी मेडिटेटर्स होंगे हम उनको कोई भी साइकिक पावर्स की ओर लेके नहीं जाएंगे, समझ रहे ना, कि आप माइंड रीडिंग कर पाओगे, दूर की आवाज़ सुन पाओगे, दूर से कोई चीज़ को देख पाओगे, यहाँ से किसी की बीमारी को ठीक कर पाओगे, ये रेकी हेलर्स वाले जो जितने करते हैं ये सब हम लोग उधर पर लेके नहीं जाएंगे। नहीं तो होता क्या है, आप तो ध्यान में जाओगे, आपको तो अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती चली जाएगी और आपको मिल गया, किसी का माइंड रीड कर पा रहे हो गया मेरी प्राप्ति हो, आपकी प्राप्ति हो गया। और आप बोलोगे मैं तो सिद्धि मिल गया किसी का मन को पढ़ लेने के लिए, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इंटरनेट पे देख सकते हो, आप तो फंस गया ना, ये भी तो मानसिक ही है, ईश्वर तक तो गया नहीं। हमारी क्या है कि परमानेंट आनंद को प्राप्ति करना पहली बात, उसके बाद आप अगर अधिकारी हो तो ब्रह्मांड परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, लेकिन जितना देगा उतना ही शांत हो जाओगे, आप बोलोगे भी नहीं कि मेरे पास ये है ये है ये है और मैं ये जानता हूँ। जिसके पास नहीं होता वो लोग ही चिल्लाता है, समझ जाए ना, वो शांत हो जाएगा। सागर, महासागर, पृथ्वी की हर दिशाओं की नदी, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, अमेजन रिवर, कोई भी नदी का पानी पहाड़ों से पर्वतों से बहते हुए आते सागर में समाता है और सागर बिल्कुल अपने आप में ले लेता है। तो यहाँ पे हम महासागर बनाने के चक्कर में रहेंगे और आप बोलोगे नहीं मुझे बस ब्रह्मपुत्र बन जाने से काफ़ी है, महासागर बन जाओ, जुड़ जाओगे सब में, सब आप में ही आके गिरेंगे। तो मानसिक शक्तियाँ में जाना ही नहीं हमें, वो बाद में आपको मिलते चला जाएगा, मिलते चला जाएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो स्वप्न हम इसलिए देखते हैं कि हमारे वासनाओं की छाप पड़ जाती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, उसके वजह से जब हम गहरा नींद में होते हैं तो वो चेतना, क्योंकि अभी बिजी है मन, बिजी है, तो स्वप्न की वो चेतना निकल के नहीं आती है, तो वो बस निकल के आ जाता है, उस तरह से निकल के आता है। और स्वप्न में कोई भूत प्रेत भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोई सांप देखेंगे, कोई देवी देवता को देखेंगे, तो जिसकी जैसी चेतना में इकट्ठा हुआ है बैंक में, जैसा जैसा मतलब उसका बैंक में डिपॉजिट हुआ है उसी तरह से वो विड्रॉ करता है, और जब देख लेता है वो अच्छा है, वो निकल के चला गया, वो अच्छा ही है, तो जितना भी है। और जो लोग ये भूत के सीन फिल्म देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और भूत का फिल्म बनाने के लिए भी और एक्टिंग करने के लिए भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ये लोग की साधना अलग था, फंसे हुए थे पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और ये लोग कुछ तांत्रिक और भूत प्रेत से कम्युनिकेट करने वाला ऐसे कुछ आत्माएं होती है उसके ओर चले जाते हैं और उसको ये अच्छा लगता है, वैसा नोबेल पढ़ने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके अंदर क्या गुण है, कैसा चेतना है, उसके उसके कार्यक्रम को देखकर पता लगा सकते हो कि कैसी किताब पढ़ता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे खाना खाता है, कैसे सोचता है, दृष्टि क्या है, कपड़ा कैसे पहनता है, उसके अंदर के सूक्ष्म शरीर को पता लगा सकते हो, उसकी सॉफ्टवेयर को। तो इस तरीके से हमारे अंदर में स्वप्न की स्थिति होती है और इसी स्वप्न की स्थिति राजा जनक की मुक्ति का कारण, आप सुन लो, मुक्ति, मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति। अब लोग हैं हमारे घर पर, मुक्ति এইটো বয়সত কি মুক্তি কথা পাতিছা তোমালোকে, যাব নালাগে বুলি কয়, মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে কিয় মুক্তি, মুক্তি 50-60 বছৰ পিছতহে সেইবিলাকে কথা ভাবিব লাগে, এইবিলাক মানুহ নাজানে, একো নাজানে। পহিলি বাতহে কি জো ভি লোক ধ্যান মেডিটেশ্যন সে আপকো ৰোকতে হে, কোন ৰোক সকতা হে, আপলোক বতাও মুঝে। यहाँ पे जब आओगे तो एक दैविक गुण की उदय होगी और आश्री जो भी लोग होंगे आसुरी गुण से परिपूर्ण होंगे, वो देखेंगे कि ये तो मेरे पत्नी जा रही है वहाँ पे, मेरी बेटी वहाँ पे जा रही है, आदमी के चेहरा भूल जाओ, हेलो, आँख भूल जाओ, नाक भूल जाओ, चेहरा भूल जाओ, उसके खानदान को भूल जाओ, जाति धर्म को भूल जाओ, उसके अंदर जो है निराकार
सूक्ष्म शरीर, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। लोगों के चेहरा में क्या रखा है, ये सब का तो कोई मूल्य नहीं है। वो निकल गया, जैसे ही जीव निकल गया, इसको ये एक ही दिन में वो गंदा गंध आने लग जाएगा, फेंकना पड़ता है, बदबू बैक्टीरिया फैल जाती है। आप जिस चेहरा को इतना प्यार कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि प्यार मत करो, लेकिन ये थोड़ी आप हो, इसके अंदर जो है वो है। मैं अभी उसे ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों का नाक और कान और आपके धर्म से मुझे क्या मतलब है, वो आप अपने पास रखो। कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, किधर है, क्या है, आपकी होश नहीं है, लेकिन मेरी बहुत होश है। मैं होश में बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप बेहोशी की अवस्था में रहोगे तो मेरी बातें यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगी। क्या बातें चल रही है, ध्यान ऐसे ही नहीं लगता है। मन जो है हमेशा ध्यान करना नहीं चाहता, मन को फुसलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखो तुम बाहर नहीं अंदर जाओ, तुम जिस चीज़ के लिए बाहर जा रहे हो अंदर जाने से उसकी प्राप्ति होगी, और जब तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी तो तुम भी सूर्य की भांति रोशनी फैलाना इस दुनिया में शुरू कर दोगे। कुछ नहीं भी करोगे तो रोशनी फैलेगी। आप अपनी ही बिजनेस दुकान ही चला रहे हो फिर भी वहाँ से रोशनी फैलना स्टार्ट ही, आपके पास जो आएंगे उसका उधार होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हो, देखने मात्र से उसके अंदर में दृष्टि पड़ने से उसके उधार होने की बहुत कहानी है। ऐसे बुद्ध को देखने मात्र से लोगों कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। तो चेतना की एक स्वप्ने की अवस्था है, स्वप्ने के बाद सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति की अवस्था का मतलब निद्रा, गहरा नींद में होते हैं हम। अब जब स्वप्न में होते हैं तो हमारे पास कोई ये वर्तमान की होश नहीं रहती है, कोई विचार भी नहीं होता है, टाइम का भी बोध नहीं है, अवेयर नहीं है हम। अब जब हम नींद में होते हैं, जितने तुपनित अमी थकूँ तेतिया हमारा कोई होश ना थके, कुछ होश नहीं रहता है। आपको कोई विचार रहता है क्या? समय का होश नहीं है, मन में कोई विचार नहीं है। अगर एक भी विचार रहे तो आपको नींद ही नहीं लगेगा सारा रात। अब टेंशन है, टेंशन है तो मतलब मन में विचार है, चिंता बुरा ही ऐसे है, तो कहना तुपनी जाना है, ईमान दुनिया बिसोना, कबार खाबो लेना है, बाहर हुई ऐसे दुनिया के एक सब दिया हुआ से खाबोले दुनिया के दिया हुआ से बिसोना दिया हुआ से घर दिया हुआ से तथापि वह बिसोना हो पड़ा ना है कि हो गल तार क्या हो गया उसके अंदर में। तो जब विचार खत्म हो जाता है, हमारा ध्यान श्वास पे आता है, तो ही हम नींद में जाते हैं, पहली बात समझ लेना। और श्वास ये ऐसी ध्यान की विधि है कि जन्म से दिया गया है। ब्रेथ जो है जन्म से मिला है, माँ का पेट से आपको मिला है। और तो ये आपके साथ साथ ही है, हमेशा है श्वास। मंत्र सीखना पड़ेगा, श्वास पे ध्यान करना कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है, जन्म से मिला है, इसके बहुत करीब हुआ। इसीलिए आज तक सबसे ज़्यादा किसी को दुखों से मुक्ति मिली है उसको श्वास की विधि से मिली हुई है सबसे ज़्यादा। हाँ, तीसरी आँख पे भी है, मैं आपको बताऊँगा, दूसरे दिन बात करेंगे, थर्ड आई की मेडिटेशन हम नेक्स्ट फ्राइडे को बात करेंगे। आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे को भी जिसको आना होगा आ सकते हैं। तो नींद में हमें कोई चीज़ की होश नहीं होती है, हम बस बेहोशी की अवस्था में हम सोए हुए रहते हैं। नींद से हम जब जागते हैं, अच्छा नींद में ये दुनिया रहता है क्या आप लोगों के लिए? ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। और नींद क्या चीज़ की अवस्था है? आनंद की, आनंद की अवस्था है ना। नींद नहीं होने से पागल हो जाओगे। मेंटल जो लोगों को भी थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को पहला डॉक्टर पूछता है नींद आता है कि नहीं, नहीं आता है, तो पहला काम उन लोग क्या करते हैं, टेबलेट देता है कि सोने के लिए, क्योंकि जो नहीं सोएगा वो तो पागल हो नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कॉस्मिक जो ऊर्जा है उसको मिलना मिलेगा ही नहीं। और वो जब मिलेगा नहीं तो शरीर के जो भी कोशिका है उसमें ऊर्जा मिलेगा ही नहीं उसको, दिन भर भागने के लिए, काम करने के लिए। बिना परमात्मा का आप हो क्या? कुछ हो, एक सेकंड के लिए कुछ नहीं हो, एक सेकंड के लिए आपकी वैल्यू नहीं है। नींद नहीं आई तो टैबलेट देकर भी तुम परमात्मा से जुड़ो, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं है, लेकिन परमात्मा से जुड़ो, बेहोशी की अवस्था ही में जुड़ो। नींद में भी हम परमात्मा के गोद में ही जाते हैं। नींद में गया
मन जब खाली हो गया, ट्रैफिक खाली हो गया, तब परमात्मा उतरते हैं और फिर से शरीर के हर कोशिकाओं को जिमान कुख बिला का से फिर से उसको एनर्जाइज करते हैं, तैयारी करते हैं, सुबह उठो और आगे करो काम। और आप लोगों का जब नींद में जाते हो तो आजकल के लड़के लड़कियां सबसे बड़ा गलती ये काम करते हैं, गलती इसलिए होती है कि वो अज्ञान है, तो अज्ञान में गलती भी गलती नहीं होती है, लेकिन प्रकृति जो है अपना बस नियम पे काम करता है। आप गलती से रास्ता क्रॉस करो और गाड़ी आकर ठोकर मार दिया, वो गाड़ी वाला नहीं, आपने गया ही क्यों, ऐसा हो गया, मैंने गलती से आ गया, ऐसा नहीं होगा। गाड़ी आएगा स्पीड में आ रहा है, ट्रेन आ रही है, मैं गलती से पार हो रहा था, नहीं, वो प्रकृति नहीं समझता है। प्रकृति मात्र बस अपना कर्म करता है, बस कर्म करता है। उस कर्म के चक्र को ही विष्णु का चक्र कहा गया, क्योंकि उस कर्म की गति से किसी को भी राह नहीं मिली है, सबको भोगना पड़ेगा, दुख भी भोगना, आप सबको भी दुख। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ध्यान करने आ जाओगे आप लोग तो दुख नहीं मिलेगा, नहीं, समस्या तो रहेगा ही, दुख तो मिलेगा ही, लेकिन एक दिन आनंद में, आनंद के सागर में उठाकर फेंक दिया जाएगा सारे बाहर में दुख, रहते हुए भी आप आनंदित रहोगे, क्योंकि पृथ्वी खुद ही दुख में है, तो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ जीव जो भी यहाँ पे है वो दुख में कैसे नहीं रहेगा, पृथ्वी खुद दुख में है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसको दुख मिलना ही है, और जिसने पता कर लिया कि मेरा जन्म नहीं हुआ तो उसका दुख खत्म हो गया।